नहीं, ये देखो सज्जन जी, ये तो हुण कियाफे ही ने। देखो अकाली दल बादल साहब और कैप्टन साहब और बीजेपी रले हुए हैं, हाँ जी, इन्हें मिले हैं। पिछली सरकार भी इन्होंने मिलकर ही बनाई है कि इतने कितने थर्ड फ्रंट ना आ जाए, जिम्मे आम आदमी की उदो बड़ी चढ़ाई हो गई थी कि उन्हें सरकार आ जानी, तो जी उस टाइम भी ये मिलकर ही इलेक्शन लड़े हैं अकाली दल और कांग्रेस। और जी अच्छ जी सीट बनी है, सिर्फ जेडे बादलों के उत्ते इन्ने वे रोक लग गए, बादलों को बरी करने वास्ते बनी है। जो कुंवर विजय प्रताप सिंह ने पैड़ तोरी सी बादलों के घर में, उदो बड़े खुश सी, सारी कौम खुश सी, सारे जेडे एंटी बादल से खुश सके कि बादल बादल फस गए। वो जी बादलों का बचाव हो जाएगा, टाइम पास हो जाएगा, अगे इलेक्शन आ गए ने, इलेक्शन के जी वोट खराब हुई सी बादलों की, उन्होंने मिल जाएगी जी कि जी बादल जी दोषी नहीं है, अगे प्रेमी दोषी है, फलाना दोषी है। जो पहले जांच हो चुकी है, जस्टिस रणजीत सिंह ने की या कुंवर विजय प्रताप ने की, वो दबा दी गई ने, उन्होंने जी जनतक करना। मैं पहले शुरुआत से कहा कि पहलिया जिहड़ियां तीन रिपोर्टा ने, जोरा सिंह कमीशन की, जस्टिस रणजीत सिंह कमीशन की और कुंवर विजय प्रताप की, वो जनतक होनी चाहिए है। जी कौम जी को पता जी लगे, लोगों को, उन्होंने की जांच की थी, वो जी किनू दोषी मानते थे। जे वो जी सारे ही रद्द करके नवे दोषी ले आएंगे तो फिर देखो टाइम खराब होना है, 6 महीने की गल है, अगे कोड ऑफ कंडक्ट लग जाना है, फिर वो सिट पेश होगी, फिर कदों हाई कोर्ट च फिर चलेगा केस, ते इनू बड़ा लंबा टाइम लगना है। अगली सरकार कि आँदी है, जे अगली सरकार कोई बदल गई तो फिर कुछ नहीं होना, फिर नवी सरकार ने फिर नवे सिरे तो कराना है, जी और जरूर फिर कसमां खा लेंगे दिल चुक जी के, असं इंसाफ दे देंगे, असं सारा कुछ कर देंगे, और वोटा फिर इन्होंने ले लेनिया ने, जी वोटा ही पै जानिया ने, विरक साहब और आही कोई गल लगता जी नहीं सानू इंसाफ मिलना। मैं इसे लिए दुहाई दे रहा कि सानू इन्हों तो इंसाफ की उम्मीद छड़ देनी चाहिए है, और जी जो हो गया साढ़े न परमात्मा ने चाहा कि पंजाब के गभरू ले लेंगे बदले, असं इंसाफ ले लेंगे। जी लेंदे आई है कौम, शहीद ऊधम सिंह ने लिया सी ना, इस जी तरह सुखा सिंह मेहताब सिंह ने लिया सी ना, इस तरह भाई सतवंत सिंह बेअंत सिंह ने लिया, भाई जिंदा सुखा ने लिया, शहीद भाई कावल सिंह, भाई रणजीत सिंह उन्होंने लिया, जी जी और ये भाई अपना दिलावर सिंह उन्होंने लिया, भाई जरनैल सिंह हलवारा उन्होंने लिया, जी तो मावा छीनिया इतने पुत जम दया है, बदले ले जाएंगे, असं इंसाफ ले लेंगे, तो छोड़ दो इन्हों का खैड़ा क्यों रुलना असं कोर्टा च। जी मैं ये बेनती करता कि जो इन्होंने साडा इन्ना कर लिया तो सानू कह देना चाहिए, और जिस दिन सिख दिल्ली नाल रुस गए उस दिन ये समझ इन्हों पता लग जाएगा कि सानू सिखां दी लोड़ सी, फिर चाइना के बार्डर से कितों लिया के खिलारनगे सिख, फिर जी जी पाकिस्तान के बार्डर से कश्मीर के बार्डर से कितों लिया के खिलारनगे सिख। जदों सिखां नू एक बार रुसना पएगा, जिवें कदे मुगलां नाल रुसे सी, जंगलां च तुर जांदे सी, पर जी जदों तक खालसा राज कायम नहीं होया, सिख घोड़ियां दीआं काठियां तों थले नहीं सी उतरना, वाकई और वाकई ये करना पड़ेगा। ही है जब तक तुम गुलाम दिल्ली के अधीन रहना। मैं किसान मोर्चे से एक आर्टिकल लिखा सी, शायद तुहाडे किसी चैनल से इंटरव्यू च भी आया सी, तो मैं कहा जब तक दिल्ली के अधीन रहना तो हुण कड़ा के जीवना छड़ दो। जी साडी साडी ट्रेजडी की है सिख कौम की, कि आजादी सानू चंगी नहीं लगती, गुलामा वांग सानू जीवना नहीं आता, जां तां गुलामा वांग जीवना सिख लो, तो जां फिर इन्हां दा खेड़ा छड़ दो, दो ही कम होने।